भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप बी में भारत की टीम नंबर वन तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम नंबर टू पर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज नोरखिया नाजेस से पूछा गया कि भारत दक्षिण अफ्रीका के मैच में तेज गेंदबाजों और भारतीय बल्लेबाजों के बीच वास्तविक प्रतिस्पर्धा होगी, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। नोरखिया ने कहा, हम खुद को दुनिया के सबसे तेज आक्रमणों में से एक मानते हैं। हमारी गेंदबाजी में काफ़ी विविधता है, हम कई पहलुओं को कवर करते हैं। हमारे पास किसी भी दिन किसी भी टीम के खिलाफ जीतने की ताकत है। हमारे पास दो युवा स्पिनर हैं, हम भारत के खिलाफ मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और आगे उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान अपने खेल पर है। और आगे उनसे पूछा गया कि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव जैसे इन फॉर्म बल्लेबाज के साथ दक्षिण अफ्रीकी टीम का प्रदर्शन कैसा रहेगा, तो इस सवाल का जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि हमें क्या करना है। वर्ल्ड कप के कई मैच बारिश के कारण हारे हैं, ऐसे में नोरखिया ने भी माना कि अगले कुछ मैच दक्षिण अफ्रीका के लिए अहम होने वाले हैं। बारिश के मामले में हर मैच जीतना होगा। इस तेज गेंदबाज ने कहा कि एक गेंदबाज के लिए खुद पर नियंत्रण रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया की उछाल और तेज गति जरूरी है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि भविष्य में T20 में हमारे पास एक ओवर में दो बाउंसर का विकल्प होगा। ऑस्ट्रेलिया विकेटों पर आपको अपने बाउंसर को सही समय पर लाना होगा और पिच से मिली मदद को समझने से बचना होगा। नोरखिया को उम्मीद है कि उनकी टीम बांग्लादेश के खिलाफ भारत के खिलाफ जीत की लय बरकरार रखेगी। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 104 रनों से हराया था, इस बीच भारत ने पिछले मैच में नीदरलैंड को 56 रनों से हराया था। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस मैच में कौन टीम जीत पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर